नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। शराब के ठेके खुलते ही असर चालू, नशा सर चढ़कर बोला। ना कोरोना का डर और ना प्रशासनिक अधिकारियों की कोई चिंता। पहले पी जमकर शराब, नशा होने पर खूब हुई धरपटक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लॉकडाउन के चलते बूंद बूंद शराब को परेशान रहने वाले सुरा प्रेमियों की सूबे की संत सरकार ने बड़ी मेहरबानी की। शायद इसी कारण आज शराब की दुकान पर लोगों ने शराब पी, फिर नशा होने के बाद खूब धरपटक हुई हुई। और ये खबर है हमारे संवाददाता प्रवीण कश्यप की। शराब को लेकर ठेके खुलते ही सुरा के प्रेमियों ने कोरोना गाइडलाइन को तार तार कर दिया। हमारे जिलाधिकारी ने शराब की दुकान के साथ साथ कई व्यापारियों को दुकान खोलने के दिशा निर्देश दिए, परंतु जिलाधिकारी के आदेश को ताक पर रखकर दुकानदार दुकानें खूब धड़ल्ले से खोल रहे हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं बजरिया रोड पर स्थित शराब के ठेके की। पहले तो शासन के आदेश के विरुद्ध बजरिया में ठेका खुला हुआ है, उस पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ठेके के पास पास एकत्रित है, जहाँ खुलेआम सड़क पर खड़े लोग जाम पर जाम छलका रहे हैं, जिन्हें न कोरोना का डर है और ना प्रशासन की कोई फिक्र। जाम इतने छलके कि नशा सर चढ़कर बोलने लगा, फिर क्या, खूब जमकर धरपटक हुई। बीच सड़क पर ठेका खुला, रोड पर शराब के जाम, उसके बाद खूब जमकर मारपीट, पर पुलिस कहाँ है। बड़े शर्म की बात है कि शहर में खुलेआम कोरोना का मजाक बनाया जा रहा है और पुलिस ट्री में ले जा रहे मरीजों का चालान काट रही है। बड़े शर्म की बात है, मेन रोड पर समय अवधि के विरुद्ध शराब का ठेका खुला है और रोड पर खड़े होकर लोग जाम पर जाम छलका रहे हैं और पुलिस चिकन मटन वालों से पिछले महीने का पैसा वसूल रही है। बड़े शर्म की बात है कि कोरोना गाइडलाइन में भीड़ लगाना मना है, परंतु पुलिस चौकी के बगल में लोग शराब पीकर मारपीट कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी रात दिन मेहनत कर कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में लगे हैं और हमारी पुलिस कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन में दो लोगों को उठाने के लिए एक वाहन में 10 लोग बैठकर जाते हैं और वह भी बिना मास्क के। खैर, खबर लिखे जाने तक कोई पुलिसकर्मी नहीं आया और ये घटना है शाम 6 बजे की। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।